नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। और मैं अभी हूँ आज ओमान के, नॉर्थ ओमान के जो मुसंदम क्षेत्र है, मुसंदम प्रांत है, उसके कसाब शहर से लगभग 26 किलोमीटर दूर हूँ। और ये एक छोटी सी जगह है बुक्का। तो यहाँ पे एक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बुक्का फोर्ट है जो पोर्तुगीज़ के द्वारा बनाया गया था, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। आप देखेंगे कि सामने ये जो पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों के बिल्कुल सामने ये देखेंगे समुंदर है। और ये जो हाईवे है वो दुबई की तरफ जा रहा है, और बिल्कुल समुंदर के किनारे ये मस्जिद, तो सुल्तान काबूस मस्जिद है, ये तो बाद में बनी है, नहीं है। और ये है बुका फोर्ट। बुका इस जगह का नाम है, और ये छोटा सा पोर्ट है जो ओरिजिनली पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था, जब पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी में के बीच में यहाँ पे इस जगह को कंट्रोल किया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तो यहाँ पे ये एज ए आउटपोस्ट बनाया था। ये फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है वो है, छोटा सा गेट है, क्योंकि ये समुद्र के बिल्कुल ऊपर की साइड में ही बनाया गया था। ये बाद में इसको रिस्टोर किया गया है। ये अंदर का व्यू है, और आगे जाके वापस ये खुल जाएगा, इसमें खुला चौक है। नहीं खुला ये अंदर का व्यू देखिए मित्रों, ये जो टावर बनाया हुआ है जो दूर तक समुद्र में देखने के लिए। और ये इधर है, कुछ रूम्स बनाए हुए जो अभी खाली है, कुछ भी नहीं अंदर। ये रूम्स जहाँ पे सोल्जर्स वगैरह रहते थे, सैनिक। और चूंकि पानी की समुद्र के नज़दीक होने से, और यहाँ पहाड़ियाँ देखेंगे आप, सूखी पहाड़ियाँ हैं, तो पानी की दिक्कत होती थी। तो उस समय पुर्तगालियों ने यहाँ पे एक ये पानी का अंडरग्राउंड टैंक भी बनाया था, जो अभी कच्चा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाद में इसको रिस्टोर किया गया, लेकिन पहले अंदर से पक्का था, और पानी इकट्ठा करने के लिए, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। ये फोर्ट के दूसरी साइड का जो टावर है, वॉच टावर है, वो है। और ऊपर यहाँ पे एक रूम बना हुआ है। ये इस बुका फोर्ट के बिल्कुल पीछे ये बुका गांव है जो है अभी। ये सुल्तान काबूस मॉस्क है, और एक छोटा सा कैसल ऊपर भी बनाया गया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो पहाड़ियों के ऊपर। और ये इधर वॉच टावर है, साइड का ये वॉच टावर है। अभी अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से उस समय क्या है कि जो पुर्तगाली है अपने दुश्मनों को और पायरेट्स को समुद्र में दूर से यहाँ से नज़र रख सकते थे। ये अगर देखेंगे आप, और इससे भी ऊंचा ये सामने वाला टावर बनाया गया है। ये छोटा सा फोर्ट है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये एक प्रकार से आउटपोस्ट ही थी जो दुश्मन पे नज़र रखने के लिए बनाई गई थी। ये मस्जिद तो खैर बाद में नई बनाई गई थी 2006 में। और ये मस्जिद के बिल्कुल पास में एक छोटा सा बिल्डिंग है, वो पुराने समय में जेल के रूप में उपयोग में ली जाती थी। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब ये पुर्तगाली यहाँ पे पायरेट्स को पकड़ते थे, यानी कि इनकी जब आपस में लड़ाई होती थी, तो जो कोई समुद्री लुटेरे थे उनको पकड़ते थे, तो उनको सजा देने के लिए यहाँ पे जो जो फोर्ट की जो फ्रंट ये दीवार है, इस दीवार पे उल्टा लटका देते थे। क्योंकि अगर देखेंगे आप तो सामने समुंदर है, और अब तो खैर ये सामने हाईवे बन गया, लेकिन उस समय हाईवे नहीं हुआ करता था, तो समुंदर सीधा इसके गेट की तरफ आता था। यानी कि जब ज्वार आता था समुंदर में, जब पानी ऊपर आता था, तो उस समय वो कैदियों को उल्टा लटका दिया जाता था, जिससे कैदी मर जाते थे। इस प्रकार की सजाएं दी जाती थी। देखिए
बहुत ही अच्छा मौसम भी हो रखा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद मित्रों।